कंगना से, क्या उम्मीद है आपको कंगना? कंगना जी मंडी लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमतों से जीत रही है, बहुत भारी बहुमत से। एक कांग्रेस के एमएलए हैं, वो कह रहे हैं कि ये कोई फिल्मी ट्रेलर नहीं है कि कभी आए और चले गए, इस तरह से काम नहीं होता, समाज सेवा करनी पड़ती। इस विषय पर मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो बोल रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास यहाँ नेता ही नहीं है। हमारे तो प्रत्याशी यहाँ पर आज स्वागत हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का भी कोई नेता नहीं है, तो कांग्रेस कैसे कह रही है? उनके पास नेता ही नहीं, वो कैसे बोल सकते हैं? तो आपको लगता है कंगना जी जीतेंगे पक्का? बिल्कुल जी, भारी बहुमत से जीतेगी। हाँ जी, हाँ जी। क्या रिकॉर्ड तोड़ेंगे रामस्वरूप जी, जिनका निधन हो गया, क्या उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? ऐतिहासिक जीत होगी, तोड़ देंगे। कंगना जी मंडी की बेटी, विधायक बंजार विधानसभा क्षेत्र, इस क्षेत्र। अच्छा सर, आप बताइए कि क्या उम्मीदें हैं आपको कंगना जी से? और पहले मुझे बताइए कि सुंदर ठाकुर जो कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्होंने कहा है कि ये ढिंका चिका करके चुनाव नहीं जीता जाता है। कंगना जी के नाम से खौफ हो गया है उनको, ये लग रहा है कि कंगना जी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बनी है, तो इसलिए यहाँ से हमारा जीतना बहुत मुश्किल है और कांग्रेस पार्टी यहाँ से नहीं जीत सकती है। इसलिए जो कंगना जी के नाम से उनको वो फोबिया हो गया है, हार का डर हो गया है, उस नाते ऐसे बखलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं। हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं, वो एक नारी है, तो मुझे लगता है कि वो यहीं से अपना जो है मंडी से ही बिलोंग करते हैं, हमारे एरिए से है, और मुझे लगता है कि जो यहाँ की जो स्थिति है, जो हिमाचल की स्थिति है, जिस तरह से यहाँ पे क्लाइमेट है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ की क्या परिस्थितियाँ हैं और क्या यहाँ की मुश्किलें हैं, मुझे लगता है कि वो भली भांति इस बात को समझ पाएगी। देवनगरी में 1 जून को वोटिंग होगी और उसके लिए कंगना रनौत पूरी तरह चुनावी मोड में हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कंगना गांव से लेकर कस्बे, आम आदमी से लेकर खास आदमी तक से संवाद कर रही हैं। कंगना रनौत का काफिला पहुंच गया है कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र में, बजौरा इलाका है ये, जहां पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लोग उनके स्वागत के लिए पहले से ही खड़े हैं। कंगना रनौत यहां पर पहुंच गई हैं, स्वागत के लिए यहां पर लोग जुटे हुए हैं, पहले से ही बहुत देर से इंतजार कर रहे थे लोग, जब से उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है उसके बाद इसी तरह से वो अलग अलग इलाकों में जा रही है, लोग उनका अभिनंदन कर रहे हैं, अभिनंदन स्वीकार कर रही है। इसके बाद वो मनाली जाएंगी, मनाली में उनके उनका स्वागत समारोह भी है, उसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो जो लोग हैं वो बेहद उत्साहित हैं, उनको लगता है कि उन्हें एक दमदार प्रत्याशी मिला है जो इस बार फिर से बीजेपी का परचम यहां पर लहराएगा, मंडी से उनका सांसद बनेगा और उनकी बात को देश भर में और संसद में बड़ी मजबूती से रखेगा, इसी उम्मीद के लिए लोग स्वागत कर रहे हैं कंगना रनौत का। ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी की पार्टी है और उसी कांग्रेस पार्टी के नेता एक के बाद एक बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत को टारगेट कर रहे हैं। पहले बीफ खाने को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया गया और अब कंगना के खिलाफ अभद्र टिप्पणी हुई है, लेकिन ना तो प्रियंका गांधी सामने आई और ना ही कोई दूसरी कांग्रेस की महिला नेता। कांग्रेस अभी तक मंडी में अपना कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पाई है, माना जा रहा है कि कांग्रेसी विक्रमादित्य सिंह मैदान में होंगे, हालांकि इस पर फाइनल मोहर लगना बाकी है। इसके पीछे की वजह शायद कंगना रनौत है, क्योंकि कंगना के मुकाबले कांग्रेस मजबूत कैंडिडेट उतारना चाहती है, लेकिन कांग्रेस चुनाव जीतने से ज्यादा कंगना पर विवादित बयान दे रही है जो लोकसभा चुनाव में भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नेता के कविता की और बड़ी मुश्किलें, के कविता को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी है के कविता।
पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा कमजोर सरकार से दुश्मनों को हुआ फायदा, मजबूत सरकार में आतंकवाद का हुआ सफाया। कांग्रेस पर हमलावर हुए पीएम मोदी, कहा कांग्रेस के लिए परिवारवाद ही सब कुछ, परिवारवाद कांग्रेस की परंपरा है, मेरे लिए देश ही मेरा परिवार है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बताया विकास विरासत का विरोधी, कहा कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नकारा, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया, कांग्रेस को सनातन से नफरत। मध्य प्रदेश के मंडला में गृहमंत्री अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर बोला हमला, कहा सोनिया ममता और शरद पवार करते भाई भतीजावाद। गृहमंत्री अमित शाह ने पुलवामा पर दिया बड़ा बयान, कहा नया भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारता है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की 11वीं लिस्ट जारी, भदोही से विनोद कुमार बिंद को दिया गया टिकट, टीएमसी उम्मीदवार ललितेश त्रिपाठी से मुकाबला। पूर्व कांग्रेस नेता और प्रवक्ता रोहन गुप्ता बीजेपी में हुए शामिल, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विनोद तावड़े की मौजूदगी मिली बीजेपी की सदस्यता। आरजेडी नेता मीसा भारती के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा विपक्ष के कैंपेन का गिरता जा रहा है स्तर। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को आपने दी है चुनौती। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की बढ़ सकती है मुश्किलें, ईडी ने गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए अदालत का किया रुख, 18 अप्रैल को मामले पर होगी सुनवाई। नोटों की गड्डी के साथ सपा प्रत्याशी का वीडियो आया सामने, सुल्तानपुर से सपा प्रत्याशी भीम निषाद। तमिलनाडु के मदुरे में कांग्रेस उम्मीदवार के पैसे बांटने का आरोप है, जनता को कैश बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना को मिली बड़ी सफलता, जवानों ने आतंकी दानिश अहमद को किया ढेर, 27 मार्च से चल रहा था लापता। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं में एक और नेता का नाम जुड़ गया है, आखिर कौन है वो नेता, देखिए हमारी इस एक मिनट की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं, तकरीबन हर रोज कांग्रेस का कोई न कोई नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहा है। इसी कड़ी में अगला नाम जुड़ा है कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता का, जिन्होंने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी विनोद तावड़े की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि अभी हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी का दामन थामा था, और अब एक ही हफ्ते में पार्टी के दूसरे प्रवक्ता का चुनावी मौसम में पार्टी छोड़कर जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। वहीं रोहन गुप्ता के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने की वजह को लेकर जो चर्चाओं का दौर है उसमें बताया जा रहा है रोहन गुप्ता पार्टी के कुछ नेताओं के रवैये से नाराज थे, इसलिए पहले उन्होंने अहमदाबाद पूर्व सीट से अपनी उम्मीदवारी वापस ली और अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।